होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में अपनी मांगों को लेकर विगत 13 दिनों से पंचायत कर्मी कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। मंगलवार को पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अब भगवान को मनाने में जुट गए हैं। उन्होंने भगवान हनुमान की पूजा अर्चन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पंचायत कर्मियों ने बताया कि हमारे द्वारा 13 दिनों से संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में प्रदर्शन किया जा रहा है, पर शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। यदि जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। हड़ताल के चलते ग्राम क्षेत्रों का जहां कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, वहीं अनेक कार्य तो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। खासकर ग्राम पंचायत में अपनी पेंशन और कई दूसरे कामों के लिए आने वाले ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा प्रदेश संगठन के आह्वान पर विगत 19 जुलाई से अधिकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व घोषित चेतावनी करके कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसका आज छठवां दिन है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा पूर्व में जो हड़ताल पर जाने की सरकार को चेतावनी दी गई थी, उसका असर अब दिखने लगा है। लगातार जनपद पंचायत सिवनी मालवा के समस्त अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए जनपद पंचायत सिवनी मालवा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे चलते पंचायत संबंधित ग्रामीणों के पूरे कार्य ठप पड़े हुए हैं। पंचायतों में ग्रामीण मजदूरी के कोई ग्राम पंचायत जनपद की चक्कर लगा रहा है तो कोई पालक अपने बच्चों के शालाओं में प्रवेश दिलाने के लिए दस्तावेज पर सील हस्ताक्षर के लिए चक्कर लगा रहा है। किसी को राशन पर्ची जारी करवाना है तो किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र संबंधित कार्य कराना है, किसी को अपनी समग्र आईडी पर नाम सुधरवाना है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ग्रामीण विकास की रीढ़ कहे जाने वाले सहायक सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल अब भी जारी है। उनका कहना है कि सरकार अब भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। Thank you.
Hey!